सेल बिलीव इन थेरेपी। आई एम नेहा एंड टुडे आई एम गोइंग टू लर्निंग अबाउट फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ऑल अबाउट फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। सो इस्केमिक हार्ट डिजीज मेनली इंक्लूड दिस आर्थरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एंजाइना। सो आज के इस वीडियो में हम एंजाइना पेक्टोरिस डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आर्थरोस्क्लेरोसिस डिस्कस करेंगे एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिस्कस करेंगे। सो एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है बेसिकली वो समझ लेते हैं। सो एंजाइना पेक्टोरिस पे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी को हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, पर हमारी जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो उतना प्रॉपर हमारे हार्ट को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे लेफ्ट साइड में हमारे चेस्ट पेन होने लगता है। लेफ्ट साइड आर्म बोल सकते हैं, चेस्ट पेन होता है और हमारी बॉडी जो हार्ट का जो ब्लड फ्लो होता है हमारी हार्ट मसल्स तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता है। तो इस एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा लेफ्ट साइड में और वो पेन होगा वो रेडिएट कर जाता है हमारे लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट शोल्डर टू आर्म एंड फ्लेक्सर सरफेस टू द लेफ्ट आर्म। सो देखते हैं क्या होता है इसमें। एक्यूट चेस्ट पेन और लेफ्ट साइड विथ लेफ्ट आर्म, लेफ्ट साइड और लेफ्ट आर्म एंड ऑक्सीजन सप्लाई इज इक्वल टू ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है, जितना हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड होती है उतना ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होती है। पर यहाँ एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड है उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। एंजाइना इज ए टर्म यूज फॉर चेस्ट पेन कॉज बाई डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। कॉज चेस्ट पेन क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो हार्ट मसल्स होती है उसके जो ब्लड फ्लो जो उसे रिक्वायर्ड होता है उतना ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो लेवल आता है। एंड नेक्स्ट इज हमारा एंजाइना पेक्टोरिस द चीफ सिम्टम ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड करेक्टराइज बाई सडन सीवियर पेन इन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट विच मे रेडिएट टू द लेफ्ट शोल्डर अलॉन्ग द फ्लेक्सर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड चेस्ट। इस सीवियर से मीन्स आप समझते ही होंगे अनएडिक्यूट ब्लड सप्लाई। सो हार्ट डिजीज में जब अनएडिक्यूट ब्लड सप्लाई होगी तो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, मीन्स चेस्ट पेन होता है। तो सीवियर पेन होता है हमारे लेफ्ट साइड में चेस्ट की एंड जो पेन होता है वो रेडिएट कर जाता है लेफ्ट शोल्डर में अलोंग द फ्लेक्सर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट आर्म विथ चेस्ट पेन। तो ये हमारा एंजाइना पेक्टोरिस में दिखने को मिलता है कि पेन होता है रेडिएट कर जाता है पेन चेस्ट में। अब देखते हैं कि एंजाइना जो है कितनी टाइप्स का होता है, कौन कौन सी टाइप्स होते हैं एंजाइना को वो देखते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइना। फर्स्ट इज स्टेबल अनस्टेबल वेरिएंट नॉक्टर्नल डक्विटिस एंड पोस्ट इन्फार्क्शन। सो स्टेबल में क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है हार्ट की वो ज़्यादा हो जाती है। अनस्टेबल में क्या होता है कि वो पेन जब होता है कि जब हमारे जो हार्ट होता है वो मीन्स हमारी बॉडी होती है वो रेस्ट पे होती है तब चेस्ट पेन होता है। एंड वेरिएंट में क्या होता है, ये क्लासिकल एंजाइना होता है सिमिलर टू क्लासिकल एंजाइना। एंड नॉक्टर्नल में क्या होता है, जब हम नाइट में सो रहे होते हैं ड्रीम देख रहे होते हैं तो उस सीवियर पेन देखने को मिलता है। मीन्स उस टाइम क्या होता है कि हमारा जैसे हम ड्रीम में होते हैं तो हमारा हार्ट क्या करता है थोड़ा फास्ट फास्ट पंप होने लगता है, रैपिड हाई मूवमेंट होता है। इससे क्या होगा कि हमें पेन होने लगता है नाइट में। एंड डिक्विटिस में क्या होता है कि पेशेंट जब राइट साइड में लेट जाता है राइट अप तो उसमें आप लेट जाने के राइट शोल्डर की साइड या लिटरली लेट जाता है तो पेशेंट को पेन होने को मिलता है। तो ये हमारे टाइप्स थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्या कॉजेज होते हैं कि ये एंजाइना पेक्टोरिस को क्रिएट करते हैं। सो मेन कॉज तो आप जान ही गए होंगे कि डिक्रीज ब्लड फ्लो है, अनएडिक्यूट ब्लड सप्लाई है, हाइपोक्सिया है, ब्लड डिसऑर्डर है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट ब्लड नहीं कर रहा है एंड एक्सेसिव फूड इनटेक कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है या एरेटिक एनुरिज्म हो जाता है, ब्लड डिसऑर्डर है कोई सा, हाइपोक्सिया है, एक्सेसिव फूड इनटेक, एक्सेसिव इमोशनल लेवल एंड हाइपरटेंशन एंड अदर डिजीज। इस टाइप की हमारी डिजीज इस टाइप के कॉजेज होते हैं जिससे कि एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है वो देखते हैं। जैसे हमने जो कॉजेस पढ़ी इटियोलॉजी देखी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो रही, कोई भी डिजीज़ है, आर्टरी है, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, एनुरिज्म है, कोई भी आई टाइप का कॉजेस जब आता है तो क्या होगा कि हमारी जो हार्ट की है ऑक्सीजन डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है बॉडी की।
एंड इंक्रीज होगी, उस पर उतना हमें लेवल जो डिमांड है उतना प्रॉपर वे में नहीं मिलता है, तो क्या होता है हमारे हार्ट पे क्या लोड पड़ता है। जब वर्क लोड पड़ेगा तो हार्ट को और नीड मोर, और ज़्यादा ब्लड सप्लाई की डिमांड होगी, पर हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, कॉरोनरी जो आर्टरी होगी हमारी वो क्या कर जाएगी, डायलेट कर जाएगी एंड सप्लाई मोर ब्लड, क्योंकि कॉरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती तो वो हम ब्लड सप्लाई देगी, पर उसके बाद क्या होगा, कॉरोनरी आर्टरी जब सप्लाई कर रही उसका क्या डायलेट हो जाती है, एंड ड्यू टू एनी फैक्टर ब्लड सप्लाई डिफिसिटेड हो जाती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं आती है, तो हार्ट को फिर भी मोर डिमांड होती है, हार्ट की डिमांड होती है कि हमें ब्लड सप्लाई आए, ऑक्सीजन मिले, पर हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन का डिमांड लेवल वो भी कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, जिससे कि हमारा क्या एंजाइना क्रिएट है ना, जनरेट रहता है हमारे हार्ट। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और प्रॉपर नोट्स से ही, आपको कहीं और से कंटेंट लेने की कोई भी नीड नहीं होगी। सो क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमको चेस्ट पेन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ब्लड प्रेशर जो का कम ज़्यादा हो रहा है, पाल्पिटेशन देखने को मिल, स्किन कलर चेंजमेंट मिलेगा, डिस्पोनिया हो जाएगा, मीन्स ब्रीथलेस, ब्रीथ मेरी जो होती है वो हम लोग की एबनॉर्मलिटी रही, पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा, हार्ट होगा मेरा बार बार बहुत ज़्यादा पंप कर रहा होगा, बहुत फास्टली पंप कर रहा होगा, एंड इनक्रीज एंड डिक्रीज हमारा, इस टाइप के साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेन रेडिएशन भी देखने को मिलता है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एंजाइना फैक्टर्स के साइन सिम्टम। और स्पेशल टाइप के करेक्टरिस्टिक होते हैं कुछ चेस्ट पेन के। अब चेस्ट पेन पे क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं कि किस टाइप पे पेन हो रहा है, किस एरिया पे पेन है, किस टाइप का पेन है और किस टाइप से रेडिएट कर रहा है, किस टाइप का सेंसेशन हो रहा है, तो वो सारा कुछ हमारे चेस्ट पेन को, हम चेस्ट पेन से इन सारी चीज़ों को पता करके, करेक्टरिस्टिक्स को पता करके तभी हम ये डिस्कस कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं कि ये किसका पेन है, पेक्टोरिस का है या कोई अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसका है। सो लोकेशन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पेन लोकेट कहाँ पर हो रहा है, तो लीड टू स्टर्नम, एंजाइना में यदि पेन हो रहा है तो वो लोकेशन कहाँ होगी, स्टर्नम के पास। सीवियरिटी क्या होगी, माइल्ड टू मॉडरेट बढ़ रही होगी। ऑनसेट क्या होगा, मे क्विक एंड स्लो, क्विकली होगा फिर स्लो होगा फिर बढ़ेगा फास्ट होगा, इसके मतलब चेंजमेंट होता आता है। रेडिएशन क्या होगा, जनरली इन नेक में होगा, फिर लेफ्ट शोल्डर में जाएगा, फिर अपर लेफ्ट आर्म में जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा, फोर एंड फिफ्थ हमारे मेटाकार्पल जॉइंट पे, फैलेंजियल पे, फोर्थ एंड फिफ्थ पे हमारे आएगा, नेक से लेफ्ट शोल्डर, फिर लेफ्ट आर्म, फिर हमारा फोर्थ फिफ्थ मेटाकार्पल फैलेंजियल जॉइंट। एंड बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, पेशेंट हैव गैस प्रॉब्लम इन डाइजेशन, पेशेंट को गैस प्रॉब्लम होगी डाइजेशन में। सो ये सारी कुछ करेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे पेशेंट को वो देखते हैं। सो डायग्नोस करना था हमारे, सबसे पहले हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे, चेस्ट पेन कहाँ हो रहा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कोरोनरी आर्टरी को आरआई टेस्ट करेंगे, हम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम भी चेक कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, केएफटी टेस्ट कर सकते हैं, एलएफटी टेस्ट कर सकते हैं, मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे, कार्डिक कैथेटराइजेशन करेंगे, मायोकार्डियल परफ्यूजन हो जाएगा, बीपी चेक करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे, तो ये सारे इसी चेक करेंगे, तो ये सारे क्या होते हैं कि डायग्नोसिस करेंगे, इन सारी चीज़ों से डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा फेवरेट मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा कि कोई भी कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज होती है जिसमें हमारा ब्लड एक्यूमुलेशन हो रहा है, पेन हो रहा है या ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो भी सिम्टम्स हैं बॉडी में, जैसे कि हमारे जो एंजाइना पेक्टोरिस में जो सिम्टम्स थे वो चेस्ट पेन था, हमारा हाइपरटेंशन था, बीपी कम एंड डाउन हो रहा था, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया था, डिस्पोनिया हो रहा था, ब्रीथनेस में चेंजमेंट आ रहा था, ईसीजी चेंजमेंट आ रहा, तो इस टाइप के साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे थे, तो हम उन साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट करते हैं, मेडिसिन देखते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, हमारी जो वेसल्स होती है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर जाती हैं, तो हम वेसल डायलेशन देते हैं,
जैसे कि आइसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये हम कुछ मेडिसिन देते हैं। बीटा ब्लॉकर में क्या होता है, बीटा ब्लॉकर देते हैं प्रोपानॉल, टाइमोलॉल, सोटालॉल और भी अदर्स होते हैं ड्रग्स, तो ये हमारे कॉमन ड्रग्स हैं जो हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ज़्यादातर मेनली यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपको डेली डेली पढ़ते हुए आपको भी याद हो जाए ये ड्रग्स। एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जैसे कि हम एम्लोडिपाइन, वेरापैमिल, इसराडिपाइन, तो इस टाइप के ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। एंटीप्लेटलेट्स ड्रग भी हम यूज़ करते हैं। एंटीप्लेटलेट में क्या होगा कि हम जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो एक्यूम फाइब्रेंट मैसमक हो जाता है, तो उसके लिए हम एंटी प्लेटलेट ड्रग, जैसे एस्पिरिन हो गया। सिम्टोमेटिक ड्रग, सिम्टोमेटिक में ड्रग में आता है जैसे कि हमारा चेस्ट पेन था तो पेन किलर दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे हम, और जैसे कि हमारा डिस्पोनिया था जिसमें फिटनेस नहीं सही हो रही थी तो हम उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग्स दे देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, मॉर्फिन सल्फेट हो गया, और भी अदर ड्रग्स होते हैं जो हम एंजाइम बैक्टीरिया में यूज़ करते हैं। मेनली हम सिम्टोमेटिक ड्रग्स ही यूज़ करते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम ड्रग्स देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ये टॉपिक हमने मेडिसिन जनरल मेडिसिन में किया है। इसमें हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारे सर्जरी में एंजाइम बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, एंजियोप्लास्टी कराते हैं और हम हार्ट बाईपास सर्जरी कराते हैं, तो बहुत सारे इसमें भी हम सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक से सब्सक्राइब, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मायोकार्डियल इन्फॉक्शंस के बारे में। थैंक यू।